बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गोल्डन ब्लॉक्स लगाने का तरीका। जो गोल्डन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, जो आजकल बहुत फैशन में इन हैं, ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने उसकी की है। आज मैं उसका तरीका आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से ये गोल्डन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। ये तमाम ब्लॉक्स मैंने लगाए हैं। इसके बहुत से दो तरीके हैं। एक मैं आपको जो प्रोफेशनल तरीका है, जो प्रोफेशनली तौर पे यूज़ किया जाता है और उसके लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके लिए ये डस्ट है, गोल्डन डस्ट है। ये दो तीन कलर्स में आती हैं, कॉपर आती है, गोल्डन आती है, सिल्वर आती है और डिफरेंट कलर्स में भी आती हैं। वो हैं UHD बाइंडर है और ये G3 एक केमिकल है। ये ताइवान का है। ये अच्छे वाला है, अच्छी क्वालिटी का है। ये एप्राटोन भी एक केमिकल है। ये दोनों केमिकल मिलाकर मैं इससे पेस्ट बनाऊंगी गोल्डन की ब्लॉक की। ये प्रोफेशनली यूज़ होता है। आप अगर ये केमिकल्स ले लें तो बहुत ज़्यादा आपके ये यूज़ होंगे। अब एक बॉल, एक चम्मच ले लेते हैं। मैं केमिकल बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब मैं ये G3 लूँगी। ये केमिकल है। ये इजीली जिन शॉप्स पे आपको डाइंग पेंट्स, डाइंग और ये चीज़ें मिलती हैं, डाइंग के पेंट मिलते हैं, ब्लॉक्स मिलते हैं, वहाँ से आसानी आपको मिल जाएगी। मैं तो लियाकताबाद से लेती हूँ। लियाकताबाद मार्केट में केमिकल की शॉप है, वहाँ से इजीली ये सारी प्रोडक्ट्स कराची में आपको मिल जाएंगी। एप्राटोन एक टेबल स्पून मैंने इसमें G3 डाला है और तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें एप्राटोन डालूँगी। ठीक है, दो टीस्पून मैंने इसमें G3 लिया है तो तकरीबन एक टीस्पून, और ये थोड़ा सा ऊपर मैं इसको करके ये इसमें एप्राटोन डाल रही हूँ। G3 ग्लू का काम करता है। जो हम डस्ट डालेंगे वो कपड़े के साथ चिपकाने में मदद करेगा। एप्राटोन भी इसी काम के लिए होता है कि आपकी जो डस्ट है वो आपके कपड़े पे पेस्ट हो जाए और ये वॉशिंग के बाद बिल्कुल नहीं निकलेगा। कपड़ा आपका फट जाएगा बट ये आपका ब्लॉक ख़राब नहीं होगा। इन दोनों को अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। ये केमिकल आपको इजीली ऐसी मिल जाएंगे मार्केट्स में। इसमें थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए मैं UHD बाइंडर डाल रही हूँ। ज़रा सा एक टेबलस्पून पानी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करने के लिए, ताकि फोम पे जब आप इसको लगाएंगे, क्योंकि ब्लॉक लगाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। उसके लिए नॉर्मल बॉटल कलर्स भी मैंने आपको बताए हैं। आज मैं आपको गोल्डन ब्लॉक लगाने का प्रोफेशनली तरीका बता रही हूँ। अगर आपको ये केमिकल्स नहीं मिलते तो आप नॉर्मल गोल्डन ब्लॉक्स की बॉटल लेंगे और उसके अंदर ये डस्ट मिक्स कर आप गोल्डन ब्लॉक लगा सकते हैं। गोल्डन बॉटल ले लेंगे पर्ल्स पेंट की, गोल्डन कलर में, और इसके अंदर मैं डालूंगी पर्ल पेस्ट। ठीक है, पर्ल पेस्ट भी इसके अंदर मैं तकरीबन एक टेबल स्पून डालूंगी। ये मेरे पास पर्ल पेस्ट है, ये भी केमिकल की शॉप से मिल जाती है। पर्ल पेस्ट की ब्लॉक प्रिंटिंग मैं आपको सिखाऊंगी कि पर्ल पेस्ट थोड़ा सा शाइनी पेस्ट कहलाता है। जैसे पर्ल कलर आते हैं बॉटल में, ये उसी तरह का पेस्ट होता है। इसके अंदर हम कलर्स डालते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर बना लेते हैं। बॉटल्स में आपको लिमिटेड कलर मिलते हैं, पर इस तरह हम कोई भी कलर बना सकते हैं। ये कलर्स की जो बॉटल्स हैं, जिस इसमें मैं गोल्डन कलर ऐड करूँगी, वो भी आपको आराम से इन शॉप्स पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा तो आप सिंपल गोल्डन कलर की बॉटल लेंगे, कलर कैम की, रोजीटा की, किसी की भी, और उसके अंदर आप जो है ये डस्ट डाल लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डस्ट डाली, तकरीबन एक टेबल स्पून मैं इसके अंदर डस्ट डालूंगी। आप बॉटल के अंदर इसको मिक्स करेंगे डस्ट को, और उससे आप अपने ब्लॉक लगा लेंगे। और उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे से इसको अच्छा सा प्रेस करेंगे आयरन करने के बाद, फिर ये आपका फिक्स हो जाएगा। पर इस तरह भी, ये सब भी करने के बाद, इसके ब्लॉक लगाने के बाद भी आपको इस्तरी पीछे से अच्छी तरह करनी है। मेरी ब्लॉक प्रिंट की जो पहली वीडियो मैंने डाली थी, आप उससे बहुत अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें बड़े तफसील से ब्लॉक लगाना और इसकी प्रेसिंग वगैरह सब बताई थी। आज मैं आपको गोल्डन ब्लॉक, इसमें मैं तकरीबन एक टेबल स्पून ये डस्ट डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अगर आपको केमिकल ना मिले तो आप बॉटल में रोजीटा के या
कलर कैम जिस भी कंपनी का आप लेते हैं उसके अंदर ये डस्ट ऐड कर लेंगे। डस्ट आपको स्टेशनरी शॉप से इजी से मिल जाएगी। ठीक है, अब ये मैं इसके डाल दी। अब ये कलर है, ये सिंपल कलर होते हैं, एक्वा कलर कहलाते हैं। ये भी केमिकल की शॉप से इजीली आपको हर कलर मिल जाता है, हर कलर में दस्तयाब होते हैं। अब इसको मैं गोल्डन बना रही हूँ। अच्छा, गोल्डन में इतना बनाऊँगी जो कलर आपको गोल्डन चाहिए इतना आप एक्वा कलर डालेंगे। ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स आपको हर उसमें मिल जाते हैं। मैं किसी और वीडियो में अब आपको जल्दी सिखाऊंगी, उसमें मैंने डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स लगाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं इस तरह का गोल्डन इसको देना चाह रही हूँ, जैसे गूटे का है, तो मैं उस हिसाब से इसमें कलर ऐड कर लूँगी। इन कलर में ये आसानी होती है कि आप कोई भी कलर इनसे बना सकते हैं। दो कलरों को मिक्स करके जो शेड्स बनते हैं आप इजीली वो भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ें मिल जाएं। कराची में तो लियाकताबाद मार्केट पे आपको आराम से तमाम केमिकल्स मिल जाते हैं, इजीली पर्ल पेस्ट, एबोस पेस्ट, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं वहीं से लेती हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखें, मैंने इसको पेस्ट की कंसिस्टेंसी अपनी मर्जी से डाल लें। मैंने यूएसटी बाइंडर डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसको इस कंसिस्टेंसी का पेंट रखेंगे। इतना ये पतला होना चाहिए कि आपके फोम पे बहुत अच्छी तरह से लग जाए। वही फोमिंग शीट आपको चाहिए, ट्रे पे आप फोमिंग शीट रखेंगे, ब्लॉक जो भी आपको लगाना है। ये बॉर्डर वाला ब्लॉक है मेरे पास और ये है, और इन तीनों ब्लॉक से मैं इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग करूँगी। डिज़ाइनिंग करना मैं आपको बताऊँगी। ये मेरे पास कपड़ा है, इस पर मैं पहले ट्राई करती हूँ। ये गोल्डन कलर का खुद है इसलिए इस पर गोल्डन कलर का शाइनी पेंट आएगा। पेंट पहले हम फोम पे लगा लेंगे, इसके बाद हम ब्लॉक को अच्छी तरह देखिएगा, ब्लॉक पे अच्छी तरह से पेंट लग जाए, और फिर हम इसको रखकर ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे। देखिए कैसे शाइनी पेंट इसके ऊपर आ गया है। इस कपड़े के ऊपर मैंने इसको लगा के इस तरह शाइनी इफेक्ट दिया है, पर मैं इसको आपको लाइट कपड़े पर लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको लाइट कपड़े पर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इस पर हम लगा लेते हैं ब्लॉक। इस सूट को भी मैंने रेडी करना है, इसकी रेडी लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इसको गोल्डन, पहले मैं एक लेयर इसकी गोल्डन बनाती हूँ। ये देखें इसके ऊपर गोल्डन, ये शाइनी हो गया। जब मैं इसको पीछे से इस्त्री करूँगी तो ये और ज़्यादा शाइन करने लग जाएगा। देखें इस कपड़े पे भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, और मैं आपको लाइट कलर के कपड़े पे लगा के दिखाती हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह आपको ये समझ आ जाए। पेंट आपने ब्लॉक पे लगाना है अच्छा सा। आजकल गोल्डन ब्लॉक की कुर्तियाँ बहुत इन हैं फैशन में, तो मैंने सोचा मैं आपको गोल्डन ब्लॉक बनाना सिखाती हूँ। अगर आपने सिल्वर ब्लॉक बनाना है तो सेम इसी तरह से आप सिल्वर ब्लॉक सिल्वर ड्रेस डाल के बनाएंगी, और जो गोल्डन कलर का मैंने इसमें कलर डाला है उसकी जगह आप लाइट ग्रे सा कलर यूज़ करेंगे तो आपका सिल्वर ब्लॉक भी इजीली लग जाएगा। मैं किसी वीडियो में आपको सिल्वर ब्लॉक लगाना भी बताऊंगी, क्योंकि आजकल वो भी बहुत फैशन में है। इस तरह से ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़कर अपना बॉर्डर पूरा कर लेंगे। ब्लॉक में बहुत डिज़ाइनिंग आती है, आप जब इस तरह की शॉप्स पे जाएंगे और ब्लॉक लेंगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे ब्लॉक्स मिलेंगे लकड़ी के, अपनी मर्ज़ी का ब्लॉक चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ों से भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं ब्लॉक का, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में आगे सिखाऊंगी। बहुत कुछ है सिखाने के लिए, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको हर तरह का सिखाऊंगी। ये मैं लाइट कलर पे आपको बना के दिखाती हूँ ताकि इजीली कैमरे में आपको नज़र आ सके।
ये भी मैंने एक फ्रॉक बनानी है, उसके लिए मैंने कटिंग कर ली है। कपड़ा पहले निकाल लेंगे, पहले मैंने बॉडी का कपड़ा अलग कर लिया, स्लीव्स का अलग कर लिया, और ये मैं बॉडी का नीचे ब्लॉक लगाऊंगी। पेंट इस तरह से डाल लेंगे, पहले हम फोम के ऊपर फैला लिया है मैंने पेंट को, ये देखें अच्छी तरह से पेंट आप इस पर फैला लेंगे और फिर आप इसको ब्लॉक लगाएंगे। अच्छा, ब्लॉक का ये ख़ास ख्याल रखना है आपने कि हर दफ़ा ब्लॉक करने के बाद, जैसे आपने ये काम ख़त्म किया, आपने फ़ौरन ब्लॉक को वॉश करने का जो मैंने तरीका बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, उस तरह आपने ब्लॉक को वॉश भी करके रखना है। और जब आप बिल्कुल न्यू ब्लॉक्स लेके आएंगे तो आपने उनके ऊपर उनको तेल में डिप करके रखना है ताकि लकड़ी अच्छी तरह से तेल पी ले। सरसों का तेल यूज़ कर लें या नॉर्मल कोई भी आप ऑयल में उसको डिप करके रखेंगे जिस हिस्से में डिज़ाइनिंग है, फिर उसको 2 दिन के लिए रख देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए सारा तेल लकड़ी के अंदर। फिर आप ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे और इस तरह इस्तेमाल करने के बाद आप ब्लॉक को अच्छी तरह से वॉश भी करेंगे। ये देखिए मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब मैं बॉर्डर के ऊपर इसके इसी के साथ का मेरे पास ब्लॉक है बंचेस के लिए, मैं वो लगा रही हूँ। ये देखें, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं। आपके जब बहुत आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखें, अच्छा मैं तो इसको अंदाजे से लगा रही हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है कि इतने इतने फासले पे। आप ज़रूर इसको लगाने से पहले मार्किंग कर लीजिएगा कि आपने कहाँ पे ब्लॉक लगाना है। मैं तो इसको अंदाजे से लगा रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका ब्लॉक लग जाएगा तो वो दोबारा हटेगा नहीं, किसी सूरत नहीं हटेगा। आप उसे वॉश करेंगे वो ख़राब हो जाएगा पर वो हटेगा नहीं, इसलिए आप पहले मार्किंग कर लीजिएगा कि आपको कहाँ पर ब्लॉक लगाना है। मुझे आइडिया है, मैं क्योंकि करती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है कि मुझे कहाँ लगाना है, पर आप प्लीज़ मार्क करके निशान लगाकर फिर ब्लॉक लगाइएगा। मैं इस पूरे घेर को फुल करूँगी। इस तरह से फोम के ऊपर आपने हर दफ़ा लगाना है और फिर ब्लॉक लगाना है, और जब आपको लगे कि फोम पे कलर कम हो रहा है आपने फोम पे कलर और डाल लेना है। ये देखें, इस तरह से मैं इसको फुल करती चली जाऊंगी। जब मैं इसको पीछे से इस्तरी करूंगी तो इनकी चमक और ज़्यादा हो जाएगी। डस्ट अगर आप चाहें ज़्यादा करना तो आप इसके अंदर डस्ट 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, पर 1 टेबलस्पून इनफ है इसकी शाइनिंग के लिए। कैमरे में आपको इतनी शाइन नज़र नहीं आ रही होगी पर ये इसमें काफ़ी शाइन है। तरह से इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी जो आगे मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और भी ब्लॉक की डिज़ाइनिंग गोल्डन ब्लॉक की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन मिलें कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, डिफरेंट ब्लॉक से आप कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके पास ये इस तरह के बॉर्डर वाले ब्लॉक नहीं है तो एक ब्लॉक से आप कैसे डिज़ाइन बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और 2-3 कलर्स के ब्लॉक लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। पर्ल्स पेस्ट के साथ, ये जो पर्ल पेस्ट है इसके साथ मैं आपको ब्लॉक लगाना बताऊंगी। ये भी शाइन करती है डस्ट से क्योंकि गोल्डन इफेक्ट आ जाता है, शिमरी इफेक्ट आता है। आप खाली पर्ल पेस्ट से भी बना सकते हैं। और फिर मैं कह रही हूँ अगर आपको ये केमिकल्स नहीं मिलते हैं तो आप गोल्डन कलर का, कलर कैम का, रोजीटा का पेंट लें और उसके अंदर डस्ट डाल के भी आप ब्लॉक लगा सकते हैं। मैं आपको प्रोफेशनली तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ये तरीका भी पता हो कि किस तरह से हम अपनी मर्जी का कलर बनाकर कर सकते हैं। ये मेरी स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स हैं, इस पर मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ।
फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्विंग विद ईस्ट, और मेरी यूट्यूब आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी बॉडी है, इस पर मैं इस तरह का ब्लॉक नहीं लगा रही हूँ, इस पर मैं छोटा वाला ब्लॉक लगा रही हूँ, इससे मैं पूरी बॉडी को कवर कर दूँगी। पूरी बॉडी के पीस को मैंने इसको कवर कर दिया। इस कपड़े से मैं आराम से बॉडी कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स और घेर तो मैंने आपको दिखा दिए। ये कुर्ती मैं जीन्स के साथ बनाऊँगी अपनी बेटी की। देखें, ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये पूरी मेरी कुर्ती तैयार हो गई। मैंने स्टिच नहीं किया है, मैं इसको स्टिच कर लूँगी इंशाल्लाह जल्दी। इस तरह का इसका लुक आएगा बनने के बाद, ठीक है। ये इसका घेर है, ये इसकी ऊपर बॉडी है। अच्छा, ये जो कुर्ती पहले मैंने गोल्डन, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी डल लग रही थी, तो मैंने उसी पेस्ट के अंदर, उसी गोल्डन पेस्ट के अंदर ज़रा सा पर्पल कलर ऐड कर दिया, और उसी ब्लॉक को मैंने दोबारा लगा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। उसी पेस्ट के अंदर बस मैंने हल्का सा पर्पल कलर, जिस तरह का वो गोल्डन कलर था मेरे पास, मैंने हल्का सा पर्पल कलर डाला, और गोल्डन कलर के ऊपर मैंने दोबारा से पर्पल ब्लॉक्स लगा दिए, और उससे मैंने इस कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, आइंदा कभी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये है, पर सेम वही मैथड है। ये मैंने अपनी एक शर्ट बनाई है, ये इसकी स्लीव्स बनाई है मैंने, एक ब्लॉक है ये खाली यूज़ हुआ हुआ, उससे मैंने इसको भर के स्लीव्स बना ली, और कुर्ती पर मैंने कहीं कहीं एक एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। ये मेरी फ्रंट एंड बैक कुर्ती है, और इसके साथ मैंने वाइट दुपट्टा रखा है, और वाइट दुपट्टे पर भी मैंने कहीं कहीं गोल्डन ब्लॉक लगा दिया। अब मैं इसको किसी भी बेल लगा के स्टिच कर लूँगी, और आइंदा किसी वीडियो में आपको स्टिच करने के बाद की भी लुक दिखा दूँगी। इसको मैंने स्टिच करके आपको दिखा दूँगी, बट ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा सूट रेडी हो गया, वाइट दुपट्टा एंड ग्रे कुर्ती। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।